हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो बहुत ही कमाल का है और ये आपके साथ कभी भी प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है, अगर सैमसंग का फ़ोन हो या कोई भी फ़ोन हो तो ऐसा डिफ़ॉल्ट प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि प्रॉब्लम आज है इस फ़ोन में। नेटवर्क उटवर्क सारा चीज़ है इसमें, सारा फ़ोन ऊन आता है जाता है, सारा चीज़ काम होता है फ्रेंड इस फ़ोन में, लेकिन इस फ़ोन में डाटा ऑन करने के बाद भी यहाँ पर नेट नहीं चलती है। तो प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, इस प्रॉब्लम का जी इस वीडियो में इजीली सॉल्व करके दिखाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे आज इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड। तो इस फ़ोन में जो प्रॉब्लम क्या हो रहा है फ्रेंड, डाटा नहीं चल रही है, जो कि मैं यहाँ पर यूट्यूब ऑन कर रहा हूँ और देखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा हो। चलिए मैं आपको ऑन करके एक बार दिखाता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा आपके साथ भी और आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो डाटा नहीं चल रहा, सच में ही डाटा ही नहीं चल रहा आपका फ्रेंड, लेकिन ऐसा कुछ रीज़न आता है फ़ोन में अपडेट या कुछ लोचा और कुछ प्रॉब्लम के कारण फ्रेंड, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस वीडियो में जो बता रहा हूँ इस ट्रिक से आप इस प्रॉब्लम के जल्दी सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को खोला हूँ, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा खुल जा रहा है, लेकिन आपका जो है नहीं खुलेगा, तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड। यहाँ पे ना प्ले स्टोर खुलेगा, ना कुछ चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना कुछ नहीं, डाटा से रिलेटेड कोई भी काम आप इसमें नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। आपको चल जाना फ्रेंड फ़ोन का सेटिंग में, उसके बाद चल जाना है मोबाइल का नेटवर्क सेटिंग में। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क सेटिंग में जाना है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर डाटा को ऑन ऑफ करना है एक बार, उसके बाद फ्रेंड एसेसरी पॉइंट में चल जाना है, उसके बाद यहाँ पर जियो 4G डाटा लिखा हुआ है, इसमें से कोई छड़काने नहीं करने। यहाँ पर मोर सेटिंग में जाके यहाँ पे जो भी है डिफ़ॉल्ट, उसको डिफ़ॉल्ट मतलब उसको डिलीट कर देने, जो भी है रिसेट। तो रिसेट होने के बाद यहाँ पे फिर से रिसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ओके करके और यहाँ पे सेटिंग कर देना फ्रेंड। तो फिर से आपका जो है रिसेट होके जो नया 4G डाटा का सिस्टम नेटवर्क का जो सेट है उसमें जाके डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर 4G सेट हो जाएगा। उसके बाद जो है फ़ोन आपका जो है इजीली काम करने लगेगा फ्रेंड। तो इतना छोटा सा सेटिंग को आपको इनेबल करना है, उसके बाद जो 100% आपका जो फ़ोन काम करेगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो एक काम कर रहा है और अभी मैं यूट्यूब को भी ऑन करके दिखाऊंगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारा यूट्यूब ऑन हो रहा है, थोड़ा सा लेट लग रहा है फ्रेंड, लेकिन ऑन हो जाएगा फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए फ्रेंड, हमारा जो ऑन हो गया फ़ोन का जो स्लो है वो सारा चीज़ के कारण यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड, ऐसा प्रॉब्लम आपका फ़ोन में सैमसंग वाली मोबाइल है तो हो सकता है, कोई भी मोबाइल में भी प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है। अगर ऐसा आता है तो अभी इजीली इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा, ऐसा ही वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से करने वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।